हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे माइक्रोवेयर H5 4G स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग, साथ ही इसके फीचर्स वगैरह आपको बताऊंगा डिटेल में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसके साथ ही इसका गिव अवे आपके लिए, क्योंकि अपने चैनल के लिए फर्स्ट कमाई है, पहला प्रोडक्ट है जो अपने चैनल को फ्री मिला है रिव्यू करने के लिए गियर बेस्ट की तरफ से या किसी भी तरह से अपने चैनल की फर्स्ट इनकम है। तो मैं ये प्रोडक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपके लिए इसका गिव अवे, आपके लिए ये गिफ्ट। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है माइक्रोवेयर का बॉक्स, इसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये अपन को स्मार्ट वॉच इसमें देखने को मिलती है, जिसको बाहर निकाल लेते हैं और इस पर लगा ये रेपर भी अपन इसमें उतार देते हैं। इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे राइट साइड में इसका पावर ऑन और ऑफ बटन है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन ये हो गई माइक्रोवेयर की, और बाकी देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। तो बॉक्स में जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक यूजर गाइड वगैरह, इसका यूजर मैनुअल है, और एक यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल मिलती है इसको चार्ज करने के लिए। 600 mAh की जो इसकी बैटरी आती है उसको चार्ज करने के लिए आपको ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल मिलती है। तो बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये स्मार्ट वॉच जो है इसको देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको जो 1.54 इंच का ये TFT स्क्रीन मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन होगा 240x240 पिक्सल। यहाँ पे आपको एक 2 MP का कैमरा मिल जाता है, 2 MP का। नीचे शायद ये माइक दिया हुआ है यहाँ पे। अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें चार्जिंग के लिए आपको दिया है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप चार्ज कर पाएंगे इसको। इसमें जो 600 mAh की बैटरी मिलती है, उस यूएसबी केबल जो अपन ने दिखाई थी अभी, उससे आप चार्ज कर पाएंगे। राइट साइड में ये पावर ऑन और ऑफ बटन है इसका। इसके अलावा ये इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक लग रहा है मेरे को। और बाकी चेक करते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। अगर पीछे की साइड बात करूँ तो यहाँ पे एक सिम स्लॉट मिलता है देखने के लिए अपन को। यहाँ पे आप 4G सिम इंसर्ट कर सकते हैं, 4G स्मार्ट वॉच है क्योंकि ये, तो आपको इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। मैंने इसमें ऑलरेडी एयरटेल का जो 4G सिम है वो इसमें इंसर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ये इसका, यहाँ पे एक आप सिंगल नैनो सिम इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। बाकी इसको वापस इसमें मैं लगा देता हूँ। इसको वापस लगाने के बाद और चीज़ें चेक करें तो यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है यहाँ पे, देखिए ऊपर की तरफ इसमें। बाकी नीचे सेंसर वगैरह कुछ शायद दिया हुआ है इसका। जब ये स्मार्ट वॉच ऑन हो जाती है तो ऐसा अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पे ये टाइम वगैरह का ये जो वॉलपेपर है, स्टेप काउंट वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे 39% चार्ज है वो दिया हुआ है। जब आप इसको स्लाइड करेंगे इधर उधर, टच स्क्रीन ये डिस्प्ले इसका, तो इसके और भी फीचर्स अपन को देखने को मिल जाएंगे। अगर अपन चलते हैं सबसे पहले इसके सेटिंग मेन्यू में, जहाँ पे चेक करते हैं इसके जो अबाउट फोन सेक्शन में जाके, अबाउट वॉच सॉरी, जो अपन स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं वैसा याद रह गया। तो अबाउट वॉच सेक्शन में जाके अपन देखते हैं, तो यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो है माइक्रोवेयर H5। एंड्रॉयड वर्जन इसमें 6.0 है, साथ ही आपको 1 GB का रैम मिल जाता है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। मीडियाटेक 6737 इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी सेटिंग अपन चेक करें तो नॉर्मल फ़ोन में जो सेटिंग आती है वैसी है। वाईफाई इसमें देखने को मिल जाएगा, ये वाईफाई से भी कनेक्ट होता है, तो वाईफाई ऑन करते हैं अपन इसका। वाईफाई ऑन करते हैं, मैं मेरा फ़ोन का भी वाईफाई ऑन कर देता हूँ ताकि ये इससे कनेक्ट हो जाए। वाईफाई मैंने इसका ऑन कर दिया है। बाकी आप इसको अगर राइट साइड स्वाइप करते हैं तो ये बैक आ जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, ब्लूटूथ का भी फीचर्स है। वायरलेस एंड नेटवर्क सेटिंग भी है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं हॉटस्पॉट वगैरह है, VPN वगैरह, सेलुलर नेटवर्क में जाके आप एक स्मार्टफोन में आपको जो जो सेटिंग्स देखने को मिलती है वो सारी है। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप 4G रिकमेंडेड, 4G रिकमेंडेड किया हुआ है वो जो एक नॉर्मली फ़ोन में देखने को मिलती है, तो 4G इसमें आपका चल जाता है। मैंने इसमें एयरटेल डाल रखा है, एयरटेल 4G चलता है, कॉल वगैरह आप कर सकते हैं। इवन इसमें जियो भी चलता है, लेकिन जियो क्योंकि वोल्टी है तो वोल्टी इसमें शायद नहीं चलता, क्योंकि मैंने कॉल वगैरह किया तो कॉल वगैरह नहीं हुआ था डायरेक्ट उससे। साथ ही और भी इसमें फीचर्स वगैरह हैं, चेक करते हैं इसके मोड सेलेक्शन, नॉर्मल मोड, स्पीड मोड, लिफ्ट रिस्ट, ये है लिफ्ट रिस्ट ब्राइट स्क्रीन, मतलब जब आप इसको पहन के, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ऑन करके, पहन के जब आपको रिस्ट को आप करेंगे, लिफ्ट करेंगे यहाँ पे रिस्ट को, तो यहाँ पे ये इसका जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। पहले इसका पावर ऑफ कर देते हैं। ये आपने अगर ऐसा पहन रखा और ऐसे किया
तो इसका स्क्रीन ऐसे ऑन हो जाएगा। तो सेंसर वगैरह भी है इसके अंदर। इसके अलावा एप्स है जो कुछ तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलती है, कुछ आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐप्स का भी सारा इसमें दिया हुआ है। मैंने व्हाट्सअप और यूट्यूब इसमें इंस्टॉल किया था, जो कि पहले से इंस्टॉल नहीं था, वो है मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। बैकअप आप ले सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए भी दिया हुआ है। आप इसमें स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं, स्क्रीन लॉक में जाके चेक करेंगे तो पिन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। बाकी और भी इसकी सेटिंग वगैरह चेक करें, और भी इसके फीचर चेक करें, तो यहाँ पे क्लॉक दिया हुआ है, इसका खुद का एक ब्राउज़र दिया हुआ जहाँ से आप सर्फिंग कर सकते हैं जाके। कम्युनिकेशन के लिए आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, इसके अंदर फ़ोन वगैरह आप कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह मिलाना हो तो फ़ोन वगैरह भी मिला सकते हैं। इसके अलावा टूल्स वगैरह है, कैमरा भी है। कैमरा मुझे अभी तक इसका समझ में नहीं आया क्योंकि एकदम सेट नहीं हो पा रहा, तो कैमरा के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं अभी, आगे चल के इसकी अगर सेटिंग मिली तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। बाकी आप इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल में आपको ये चाहिए, स्किन चेंज वगैरह कर सकते हैं, ऐसी स्टाइल में चाहिए, ऐसी चाहिए या फिर ऐसी चाहिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, MP3 वगैरह आप इसमें सुन सकते हो। और इसमें जाके चेक करें तो मल्टीमीडिया में गैलरी है और वीडियोस वगैरह है, आप इसमें चला पाएंगे। यहाँ पे ये प्ले स्टोर दिया हुआ है जिसमें आप जाके कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी एप्स वगैरह आपको कुछ चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक तरह से स्मार्टफोन है पूरा, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। माई एप्स में जाके कुछ भी आप अपडेट वगैरह करना, ऑटोमेटिक अपडेट, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है यूट्यूब वगैरह। बाकी मोर सेटिंग में जाएंगे तो जो आपने ऐप्स अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं आप, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने इसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल किया है, देखिए ये चैटिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। यूट्यूब के जो वीडियो है मैं डायरेक्ट अपने चैनल का प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बस नहीं तो कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। तो ये यूट्यूब मैं ओपन करता हूँ, मैंने YouTube ओपन कर लिया और अपना वीडियो जो अपना चैनल का है वही ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये टेक्नो का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन आया था जिसमें ड्यूल 4G वोल्टी है, जिसका वो वीडियो है, मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं आसानी से। तो YouTube वगैरह आप इसमें आसानी से चला पाएंगे, वीडियो वगैरह प्ले कर पाएंगे। बाकी और चीज़ें भी इसकी देख लेते हैं अपन बैक आके। जब आप इसको ऊपर की तरह स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वगैरह दिया है, 4G जो नेटवर्क है उसका ये आइकन दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेटा ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जो ऊपर आता है स्मार्टफोन के अंदर पैनल वैसा ही दिया हुआ है। बाकी वाईफाई से ये कनेक्ट है। यहाँ पे इसको आप जब क्लिक करेंगे तो रिसेंट ऐप्स इसके सारे खुल जाएंगे। बाकी आप इसमें इसको बंद भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ब्लूटूथ और डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए वगैरह चीज़ें, ब्राइटनेस लेवल आप बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें इसमें दी हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और चीज़ें इसमें चेक करेंगे तो आपको हेल्थ से रिगार्डिंग चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप नीचे की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना स्टेप आपने लिया है, क्या कितना कैलोरी बर्न किया, कितना किलोमीटर चला है, तो हार्ट रेट आपका वो भी इसमें काउंट हो जाता है आपका। तो आप जब इसको इस पर ऐसे पहनेंगे तो इसमें आपका हार्ट रेट वगैरह ऐसे काउंट हो जाएगा। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी शानदार, ये देखें यहाँ पे इसका लाइट ऑन हो गया, ये जो LED लाइट दी हुई है इसके लिए ही है। इसकी बात करें इसको वॉलपेपर की, तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे वॉलपेपर दिए हुए हैं। मतलब आप इसकी जो घड़ी की जो सेटिंग है, इसकी वॉच की, वो आप इसका चेंज कर सकते हैं, एनालॉग डिजिटल दोनों कर सकते हैं, कुछ भी तरह से आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके और भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। वॉकिंग का आप जो ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप वॉक कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें कर, क्या क्या कैलोरी कितना बर्न किया आपने, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप आउटडोर में इसमें वो वॉकिंग, आउटडोर में अगर आप रनिंग कर रहे हैं, इंडोर कर रहे हैं आप, मतलब ट्रेडमिल वगैरह चला रहे हैं उसमें, तो बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं आपकी फिटनेस से रिलेटेड। ये सब चीज़ें इसमें अपन को देखने को मिलती है फर्स्ट इंप्रेशन में, तो मुझे इतना ही इसमें समझ में आया। बाकी इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें अपन ने मिस कर दी हो। कैमरा मुझे इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, चेक करें तो इसमें कैमरा कुछ पिक उल्टी दिखा रहा है, तो वो उसकी कुछ सेटिंग होगी, जैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तो इसमें वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन तो है, लेकिन इसका सेटिंग कैसे होना है ये मुझे अभी तक देखा नहीं मैंने। अगर मुझे पता चलेगा इसका सेटिंग तो मैं आपको रिव्यू करके ज़रूर बताऊंगा। बाकी कैमरा में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसके साथ ही, और फोटो वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह भी दी हुई है कैमरा की। तो ये सारे है, कुछ टूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको इसमें, जहाँ पे कैलकुलेटर, कैलेंडर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल एक ठीक स्मार्ट वॉच है। प्राइस इसकी, अब जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तब इसकी 89 कुछ डॉलर थी, और अभी इसकी प्राइस 10% लेस और डिस्काउंट के साथ मिल रही है, मैंने कल चेक किया। बाकी आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से जाके बाय करेंगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, तो आप प्लीज़ उस लिंक से जाके बाय ज़रूर करना, अगर आपको ये स्मार्ट वॉच पसंद आई तो। ये सिर्फ इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, इसको हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन फिर भी कैमरा को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ चीज़ें इसमें सब कुछ सही है। एंड्रॉयड 6.0 अपन को मार्शमेलो मिल जाता है और 1 GB की रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और सेंसर वगैरह अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मतलब स्मार्टफोन की तरह एक आप इसमें 4G चला पाएंगे, जियो भी आप मैंने चला के देखा था इंसर्ट कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी वोल्ट ही नहीं है तो आपको वो जियो 4G वॉइस टाइप वो डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप बाकी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसमें गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है। तो आप सबसे पहले एक सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा साथ ही आपको इसको लाइक करना होगा वीडियो को, और प्लीज़ इस पर एक कमेंट छोड़ दीजिए अच्छा सा, इस वीडियो से रिलेटेड, इस वॉच से रिलेटेड आपको कैसे लगी, आपको ये कैसे क्यों चाहिए, कुछ भी एक कमेंट छोड़ दीजिए। साथ ही आपको करना होगा इसको शेयर, क्योंकि अपने को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है इस पर 50K व्यूज़ एंड 10,000 लाइक। तो जल्दी से 50K व्यूज़ तो आजकल नॉर्मल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 लाइक कंपलसरी आपको ज़रूर इसमें करना है। 10,000 लाइक जैसे अपना टारगेट पूरा होगा मैं इसका एक विनर अनाउंस कर दूंगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट के थ्रू मैं आपको रेंडमली एक कमेंट पिक करके और एक विनर का अनाउंसमेंट करूंगा। तो आपको ये मतलब जल्दी से जल्दी मिले, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ये टारगेट पूरा हो और आप में से किसी एक विनर को मिले। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन उसके पास होता है वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस पर ज़रूर जल्दी से जल्दी लाइक बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि अपन जल्दी जल्दी इसका टारगेट कंप्लीट कर सके और रिव्यू यूनिट्स अपन को मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।